आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और टॉपिक लेकर, जो कि है ठाकुर जी के स्वप्न के बारे में। हाँ जी, कई लोगों की क्वेरीज आती हैं ठाकुर जी के सपनों को लेकर। जो ठाकुर प्रेमी हैं, मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादातर ठाकुर के प्रेमी हैं, ठाकुर के भक्त हैं, तो उनके जो स्वप्न के जो एक्सपीरियंस हैं उनको लेकर के मेरे पास ज़्यादा क्वेरी आई है। खासकर जब से जो इंटरव्यू आया था मेरा वृंदावन चैनल पर, उस पर मैंने स्वप्न की अपनी एक अनुभव जो है शेयर किया था, उसकी वजह से कई लोगों के मेरे पास क्वेरी आती है कि कैसे थे, जो मैंने उसमें अपना अनुभव बताया था उसको लेकर के कई लोगों की क्वेरी आती है ठाकुर जी के स्वप्न को लेकर, कि आपने ठाकुर जी को सपने में देखा था, वे कैसे दिखते हैं, वे कैसे दिखने में थे, वे किस तरीके के थे। तो उस बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ कि सपने में जो ठाकुर जी दिखते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि ठाकुर जी जो सपने में दिखाई देते हैं वे हर बार हमें अलग अलग रूप में क्यों दिखाई देते हैं, या जैसे मतलब कि कभी बच्चे के रूप में दिखाई देते हैं, कभी किसी बालक के नॉर्मल बच्चे के रूप में, कभी खुद कृष्ण के छोटे स्वरूप में, कभी खुद कृष्ण के बड़े रूप में जैसे 7-8 साल के बच्चे के रूप में, कभी नॉर्मल से लड़के के रूप में दिखते हैं, तो कभी ठाकुर जी खुद अपने वास्तविक रूप में दिखते हैं, जो बड़ी जो उम्र होती है उसमें कोई वासुदेव द्वारका वाले श्री कृष्ण के रूप में दिखते हैं किसी को, कभी वे बांके बिहारी के रूप में दिखते हैं, खाली उनकी जो बांके बिहारी हैं वैसे दिखते हैं, मतलब अलग अलग रूप से वे हर भक्त को जो दर्शन दिखाई देते हैं हर बार अलग अलग देते हैं। वो अलग अलग क्यों देते हैं, ऐसा क्यों होता है कि वे हर बार अलग अलग रूप लेके जो भक्तों के सामने आते हैं, ये बताऊंगी आज मैं आपको इस वीडियो में कि अलग अलग रूप में क्यों दिखाई देते हैं। और दूसरा ये बताऊंगी कि वो हमको स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देते हैं, मतलब कि स्पष्ट जब हमें सपने में जब ठाकुर जी दिखते हैं तो या तो हमको फिर ज़्यादा साफ दिखेंगे नहीं, पूरा हमें उनका चेहरा अच्छे से याद नहीं रहेगा, और अगर उस समय अगर हमको दिखेंगे भी स्पष्ट, अगर सपने में हमको दिखाई दे भी गए तो हमको फिर वो रियल जब हम जागेंगे तो जब हम उठते हैं हमको ज़्यादा स्मरण नहीं रहता कि उनका चेहरा कैसा था, वे कैसे थे दिखने में, एग्जैक्ट हमको उनका चेहरा याद नहीं रह पाता, ऐसा क्यों होता है। इन दोनों बातों के जवाब आज मैं आपकी इस वीडियो में दूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको याद दिला दूं कि जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं और जिनको ऐसी ठाकुर प्रेम की, ठाकुर भक्ति की जो बातें अच्छी लगती हैं, ठाकुर प्रेमी जन जो हैं मुझे देखते हैं, उनकी वीडियो अच्छी लगती है आपको मेरी और चाहते हैं कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है आपकी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से जो ठाकुर प्रेमी हैं, जिनसे आपको लगता है इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, जो आपके नोन में जो ठाकुर प्रेमी हैं उनको ये बात पता चलनी चाहिए, उनसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए आगे बढ़ते टॉपिक की तरफ। तो स्वप्न के बारे में मैं आज आपसे बात कर रही थी कि स्वप्न में जब हमें ठाकुर जी दिखाई देते हैं तो अपना अलग एक स्थिर रूप लेकर क्यों नहीं आते। जिस तरीके से मैं आपको अपने वीडियो में हर एक जो आपकी जो सवाल होता है, हर एक आपकी जो क्वेरी होती है उसको एक सत्य घटना से जोड़कर आपके सामने आपको स्पष्ट करती हूँ, उस ठीक उसी तरीके से आज भी मैं वही करूँगी। भक्तमाल की कथा में मुझे किसी ने सुनाई थी कि एक बार एक संत थे, वे ठाकुर के बाल स्वरूप की जो पूजा करते थे, तो एक बार उनको वहाँ पर कोई जानवर, या मुझे याद तो नहीं आ रहा ठीक से, शायद बंदर था, हाँ आ गया था वहाँ पर, तो उससे जो है जो ठाकुर जी जो थे जो बाल स्वरूप की पूजा करते थे अपने उसके पुत्र भाव से, तो वो जो ठाकुर जी थे, शॉर्ट में करके आपको बता रही हूँ जल्दी जल्दी, तो जो ठाकुर जी थे वो उनसे चिपक कर डर के जब उनके पास वो बंदर आ गया तो उछल के ठाकुर जी की गोद में चढ़ गए। तो उन संत के दिमाग में ये बात है कि कैसे, मतलब ठाकुर जी हैं ये इतने डरपोक हैं, इतने डरपोक कैसे हो सकते हैं, कैसे हैं ये, तो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, इस तरह से जानवर से डर कर मेरी गोदी में चढ़ गए और ये मेरी रक्षा क्या करेंगे, अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो पता है ठाकुर जी उनको सपने में आते हैं उसी रात और बोलते हैं, देख भाई या तो तू मेरा बाल स्वरूप देख के मुझको पुत्र भाव से ही पूज ले, मुझे बच्चा ही मान ले, या फिर तू मेरा अगर भगवान वाला ऐश्वर्य देखना चाहता है मेरा तो फिर तू मुझको भगवान ही मानो, या फिर अगर तू मेरा कोई और रूप मानना चाहता है तो मैं उसी तरीके से बर्ताव करूँगा। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि तुझे किस तरीके से लीला करके दिखानी है, तुमको कैसे भाव में दिखाऊँ। हमको ना ठाकुर जी की एक फिक्स, हमको एक उनकी छवि देखनी है हमको फिक्स, मतलब जिस तरीके की छवि आप उनकी देखना चाहते हो कि ऐसे हैं, जैसे आपके पास कोई फोटो है उनकी या कुछ कहीं आपने देखी हो कि मैं इस तरीके की, उनकी उम्र उनका सब कुछ जो है आपको फिक्स करके रखना है, कि मतलब एक दिमाग में एक छवि उनकी
माइंड सेट कर लेना है प्रॉपर कि इस रूप में इस रिश्ते से इस ऐसी छवि मैं उनकी देखना चाहता हूँ। जैसे मैंने सोची हुई है, मैंने आपको दिखाई भी थी एक पहले वीडियो में कि मैं उनकी ये छवि ज़्यादातर सोचती हूँ। तो जैसे आप सोचेंगे तो पता है क्या है, तो ठाकुर जी उसी रूप में आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा आने लगेंगे, उसी रूप में आपको ठाकुर जी सपने में दर्शन देना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फिर उनको भी समझ में आने लगता है कि ये मुर्गा मेरे इस रूप को देखना चाहता है। आपको वे धुंधले तब तक ही दिख रहे हैं, या थोड़ी सी उनकी छवि इसलिए ऐसी दिखती है भी, अभी आपके दिमाग ने आपके मन ने एक स्पष्ट उनका एक स्थिर रूप आपने उनका भी नहीं सोचा, कोई सोचा आपने अभी तक नहीं सोचा ना, उनकी छवि बनाई है सुंदर सी जैसी आप उनका चाहते हैं। वैसे कृपालु जी तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अरे पैंट शर्ट बना दो, अगर आज के टाइम पे भगवान आएंगे तो थोड़ी ना धोती वोती पहन के आएंगे, फिर तो वे अगर आज के टाइम पे आएंगे फिर तो वे पैंट शर्ट भी पहन के आ सकते हैं, जीन्स शॉर्ट्स भी पहन के आ सकते हैं। तो जैसी छवि आप मतलब कहने का मतलब यह है, जैसी छवि आप ढूंढ रहे हो, जैसी छवि आप चाहते हो उनकी, वैसी एक दिमाग में सोच लो जिस छवि में आप उनसे मिलना चाहते हो, फिर वे उसी छवि में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन देने लगेंगे। और दूसरा कारण ये भी है उनका धुंधला थोड़ा दिखने का, कि जैसे आप देखेंगे, जैसे आप कोई फिक्स छवि बना लेंगे ना, जैसे आज से आपने बना ली, ठाकुर जी जो है ना उसी रूप में आपको अपना दर्शन देने लगेंगे। धीरे धीरे होगा ये सब प्रोसीजर, जब आपकी भावना दृढ़ हो जाएगी उसी रूप में, आपका विश्वास, आपकी भावना, आपका प्रेम उस रूप से जो है लगाव जुड़ जाएगा, तो वे भी धीरे धीरे उसी रूप को अपने फिक्स करते जाएंगे और आपको उसी रूप में ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन उसी रूप में दिया करेंगे। स्पष्ट वे तब तक ही नहीं करते, जैसे बहुत से लोगों को किसी लड़के के रूप में दिखाई देते हैं, मेरी माँ को एक धुंधला सा सांवला सा लड़का दिखाई देता है, वो स्पष्ट इसीलिए नहीं है। मैं अपनी माँ से भी चर्चा कर रही थी तब, इसलिए मैंने एक वीडियो भी बनाई, मैं कह तो एक बतानी चाहिए लोगों को। अगर कोई मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी कोई स्पष्ट एक तस्वीर अपनी छवि अपने दिमाग में बनाइए उसकी उनकी, तभी वे स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। जैसे आप देखना चाहो, इच्छा तो करो ना, जब आपके अंदर इच्छा ही नहीं है अभी देखने की उनका कोई रूप, तो वे कैसे दिखेंगे? तो कोई इच्छा बनाओगे, कोई ऐसा रूप बनाओगे तो वे उसमें भी दिखाई देंगे। और दूसरा कारण ये भी है उनका स्पष्ट ना दिखने का, कि क्योंकि अभी हमारे में अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम उनके रूप सौंदर्य को देख सकें स्वप्न में भी। हाँ जी, ये स्वप्न के दर्शन हकीकत के दर्शन में कोई अंतर नहीं होता, मैं बताती हूँ, मैंने वीडियो भी बनाई है इस बारे में। इसलिए भी नहीं दिखते वे क्योंकि अभी हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, अभी उनको कुछ कमी नज़र आ रही है, धीरे धीरे हमें वो सामर्थ्य देते हैं। कैसे? जैसे जैसे हमारा प्रेम बढ़ता है उनमें, विश्वास बढ़ता जाता है और प्रगाढ़तम होता जाता है हमारा विश्वास, उनकी छवि और क्लियर होती चली, जैसे कोई चीज़ ब्लर करते हैं ना मूवी में, वो ब्लर से वो क्लियर होती चली जाती है धीरे धीरे। जैसे जैसे हमारा क्लियर कैसे होता है वो लेंस, जैसे हमारा प्रेम बढ़ता है, हमारा विश्वास बढ़ता है, हम उनके प्रति हमारा त्याग बढ़ता है, ये सब चीज़ें उनकी छवि को क्लियर करती जाती हैं सपने में भी। और तीसरा कारण ये है उनके स्पष्ट ना दिखने का, वे ना अपने भक्तों के अंदर की प्यास बढ़ाते हैं, व्याकुलता बढ़ाते हैं, बेचैनी बढ़ाते हैं, जिससे भक्त और ज़्यादा व्याकुल हो उनको देखने के लिए, व्याकुलता बढ़ाए। और व्याकुलता क्या करती है? बेचैनी वो प्रेम को बढ़ाती है, प्रेम बढ़ता है हमारा व्याकुलता से बेचैनी से, तो वो भक्त की प्यास बढ़ाने के लिए ठाकुर जी भी कभी कभार ऐसा करते हैं। तो ये तीन मेन कारण होते हैं कि या तो आपने छवि स्पष्ट नहीं बनाई हुई है, या अगर आपने छवि स्पष्ट बना ली है, अब आप कह रहे हैं हमने बना ली है तब भी नहीं दिख रहे, तो भी कुछ टाइम दीजिएगा, अभी हमारे प्रेम में विश्वास में कहीं कुछ कमी है। या फिर दूसरा कारण यह हो सकता है कि अभी हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं, वे देख रहे हैं कि वो सामर्थ्य हो हम उनको देख सकें उनके सौंदर्य को। तीसरा हमारी व्याकुलता बढ़ा रहे हैं वही, अगर जिससे हमारे अंदर वो सामर्थ्य आ जाए, बस यही है। सरल सा ठाकुर जी को समझना कोई इतना बड़ा मुश्किल बात नहीं है, बड़े अच्छा बड़ा सुंदर रास्ता है, इस पर चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछिए ज़रूर, मैं फिर आऊँगी एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी प्यारे प्यारे ठाकुर प्रेमी भक्तों को मेरा हरे कृष्णा।